दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी के फॉर्म में। इन दोनों टाइप्स के सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक ट्रांसमिट किया जाता है। दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसी और डीसी ये दोनों ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, उन्हें ये सवाल अक्सर आता ही है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन को कैसे पहचाने। हम एसी ट्रांसमिशन टावर या फिर डीसी ट्रांसमिशन टावर में फर्क अंतर कैसे पहचाने कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जा रही है ये एसी है या फिर डीसी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप 100% एसी और डीसी ट्रांसमिशन लाइन में फर्क डिफरेंस पहचान सकोगे और आप देखते से ही पहचान लोगे कि एसी ट्रांसमिशन टावर कौन सा है और डीसी ट्रांसमिशन टावर कौन सा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने इस प्रकार से दिखने वाले इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर्स को तो अक्सर देखा ही होगा। आमतौर पर ज्यादातर यही टावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये टावर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो एसी के फॉर्म में है या डीसी के। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप्स के सिस्टम में ट्रांसमिट किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो टावर्स आपको दिखाई देते हैं ट्रांसमिशन टावर्स, ये एसी ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये टावर एसी ट्रांसमिशन टावर ही है, क्योंकि दूर से देखने पर तो हमें कोई नेम प्लेट भी दिखाई नहीं देती है कि उस पे एसी लिखा है या डीसी लिखा है, और नेम प्लेट पर जनरली लिखा हुआ नहीं होता है किसी भी इलेक्ट्रिक पोल या ट्रांसमिशन टावर के कि ये एसी है या डीसी है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन दोस्तों, देखते से ही हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन टावर एसी है या फिर डीसी है। और आप भी ये सोचोगे कि ये मैंने कैसे कह दिया कि ये ट्रांसमिशन लाइन या टावर एसी है। तो दोस्तों, एसी ट्रांसमिशन लाइन को पहचानने का तरीका क्या होता है या कौन से फैक्टर्स हमारे माइंड में होने चाहिए या कौन से फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हुए ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन एसी है या फिर डीसी है। तो दोस्तों, आइए वो फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल फेज और थ्री फेज। तो अब ट्रांसमिशन लाइन को पहचानने का, वो एसी या डीसी, उसके लिए हमें एक चीज पता करनी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट होती है वो सिंगल फेज के फॉर्म में होती है या थ्री फेज के। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी थ्री फेज के फॉर्म में ही होती है, थ्री फेज सिस्टम में होती है, और ट्रांसमिट भी थ्री फेज सिस्टम में ही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जिस ट्रांसमिशन लाइन में हमें जनरली आमतौर पर तीन कंडक्टर्स दिखाई देंगे वो इसी ट्रांसमिशन लाइन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी थ्री फेज में ट्रांसमिट होती है, तो आप ये कंसिडर करोगे कि थ्री फेज में तीन फेज कंडक्टर्स होंगे, तो ये एसी ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे। तो क्या दोस्तों ये तरीका सही है? तो दोस्तों, ये तरीका सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, टोटली नहीं, क्योंकि बहुत से ट्रांसमिशन लाइन्स पर हमें 6 कंडक्टर्स और कभी कभी 12 कंडक्टर्स भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तब आप हैरत में पड़ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने तो सुना था तीन कंडक्टर्स होते हैं थ्री फेज में, रेड येल्लो ब्लू RYB या फिर L1 L2 L3, तीन लाइन कंडक्टर्स, तो ये इतने सारे कंडक्टर्स कहाँ से आ गए, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी लेकिन स्पेस तो उतनी ही है, स्पेस तो हम बहुत बढ़ा नहीं सकते, वो सिलेक्टेड होती है ऑलरेडी। तो एक ही टावर पर कम स्पेस में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा पावर वाली इलेक्ट्रिसिटी सेंड करने की कोशिश करते हैं, सेंड करते हैं। तो हम एक थ्री फेज सर्किट को ना यूज़ करते हुए बहुत सारे थ्री फेज सर्किट यूज़ करते हैं, पावर बढ़ जाती है जिससे कि ज़्यादा पावर हम सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको 6 कंडक्टर्स दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि इसमें दो सर्किट्स का यूज़ किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो भी एसी ट्रांसमिशन लाइन ही होगी, क्योंकि तीन कंडक्टर्स एक सर्किट में होंगे, तीन कंडक्टर्स दूसरे सर्किट के होंगे।
दोनों मिला के 6 कंडक्टर्स हो गए, तो वो वहाँ डबल सर्किट है, दो सर्किट है, इसलिए वो डबल सर्किट एसी ट्रांसमिशन लाइन कहलाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत से ट्रांसमिशन लाइन्स में 12 कंडक्टर्स 12 कंडक्टर्स भी होते हैं, तो उसमें 4 सर्किट्स होंगे, 3 × 4 = 12, 3 कंडक्टर्स पर सर्किट, तो वो ट्रांसमिशन लाइन को हम कहेंगे मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, वो भी एसी ट्रांसमिशन लाइन ही होगी। दोस्तों अगर आपको सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा यह वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजीली समझाया है कि ये ट्रांसमिशन लाइन्स कैसी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इन्हें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है पावर सिस्टम में, खासकर मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई एसी ट्रांसमिशन लाइन्स की बात, कि एसी ट्रांसमिशन लाइन्स को हम इस तरह पहचान लेंगे अगर उसमें 3 कंडक्टर्स हो, 6 कंडक्टर्स हो या 12 कंडक्टर्स हो। ये हुआ एक पॉइंट एसी ट्रांसमिशन लाइन्स को पहचानने का। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन्स के जो टावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, उनकी विड्थ, उनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है डीसी ट्रांसमिशन टावर्स के कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा तरीका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स के आइडेंटिफिकेशन की, उसको कैसे पहचाने हम, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए आपको समझना होगा कि डीसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के 3 तरीके हैं, एक मोनोपोलर लिंक, दूसरी बायपोलर लिंक, तीसरी है होमोपोलर लिंक। दोस्तों ये तीनों तरीके समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीसी में बेसिकली होता क्या है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों डीसी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मोस्टली जो आपको ज्यादातर देखने में आता है डीसी का एग्जांपल, वो होता है सेल 1.5 वोल्ट का और बैटरी 9 वोल्ट की, इसमें आपको 2 टर्मिनल दिखाई देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये डीसी पावर सोर्स होते हैं, बैटरी और सेल। तो डीसी में यूजुअली 2 कंडक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। लेकिन दोस्तों क्या ट्रांसमिशन लाइन्स पर भी, डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स पर भी 2 ही कंडक्टर्स होते होंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ और ना भी। जी हाँ दोस्तों, डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स में आपको 2 कंडक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, 1 कंडक्टर्स भी देखने के लिए मिलेगा और 2 से ज्यादा कंडक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स को पहचाने कैसे। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया तो दे दिया कि डीसी में सप्लाई सोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। डीसी में तो 3 फेजेस होते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी में 2 ही कंडक्टर्स होते हैं, 2 ही टर्मिनल से वो निकलते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि डीसी ट्रांसमिशन किया जाता है मोनोपोलर लिंक, बायपोलर लिंक और होमोपोलर लिंक में, ये जितने भी तीनों नाम मैंने आपको बताए, ये नाम डीसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के सिस्टम के टाइप्स हैं। मोनोपोलर लिंक में होता क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक सिंगल लाइन कंडक्टर को पास किया जाता है टावर के थ्रू। टावर पर आपको एक ही कंडक्टर दिखाई देगा, इसमें एक ही कंडक्टर होने के कारण इसे नाम दिया गया है मोनोपोलर लिंक। क्योंकि मोनो का मतलब होता है, उसका डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो मोनो का मतलब होता है एक या फिर एक रूपी। लेकिन अब आप बोलोगे कि करंट तो तभी फ्लो होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है, या इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी, तो फिर दूसरा कंडक्टर कहाँ गया, रिटर्न कंडक्टर। तो दोस्तों मोनोपोलर लिंक में टावर के थ्रू एक कंडक्टर तो पास हो ही रहा है, लेकिन इसमें रिटर्न कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, रिटर्न कंडक्टर की तरह वर्क करता है ग्राउंड, जमीन, जिस राइट ऑफ वे से, जिस रूट से ट्रांसमिशन लाइन गई हुई होती है, ग्राउंड या फिर सी वाटर, जो भी सबमरीन केबल्स होती है, सबमरीन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसमें समंदर का पानी एज ए रिटर्न कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमें सर्किट कंप्लीट चाहिए, मतलब कि डीसी के केस में बात की जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े होने चाहिए एक कंडक्टर के थ्रू, तब करंट या इलेक्ट्रिसिटी वो बैटरी सोर्स से या डीसी सोर्स से फ्लो होगी, निकलेगी और सर्किट में सर्कुलेट होगी। तो दोस्तों मोनोपोलर लिंक में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टावर पर एक कंडक्टर होगा इंसुलेटर के जरिए, उसको सस्पेंड किया हुआ होगा, लटकाया गया होगा, और अर्थ जो है इसमें एज ए रिटर्न कंडक्टर की तरह एक्ट करेगी, वर्क करेगी। तो दोस्तों जिस भी ट्रांसमिशन टावर पर आप सिर्फ एक कंडक्टर देखो, तो समझ लो कि ये मोनोपोलर ट्रांसमिशन लाइन है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन है मोनोपोलर टाइप की। दोस्तों मोनोपोलर ट्रांसमिशन लिंक जो है वो
कम पावर वाली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ रखा है, हमें पता है कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाता है, एचवीडीसी हो या यूएचवीडीसी हो, यानी कि हाई वोल्टेज डीसी या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब 800 किलोमीटर हो या 1000-1500 किलोमीटर हो और थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट पावर ट्रांसमिट करनी हो तो एचवीडीसी या यूएचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, मोनोपोलर लिंक के जरिए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बायपोलर वाली ट्रांसमिशन लाइन का यूज किया जाता है। अब बायपोलर ट्रांसमिशन लाइन होती कैसे है? दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, बायपोलर, बाय का मतलब होता है ड्यूअल, दोहरा। इसमें दो पोलैरिटीज होती हैं, जैसे कि डीसी में दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें आपको दो कंडक्टर्स दिखाई देंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन में आपको ट्रांसमिशन टावर के थ्रू पास होते हुए दो कंडक्टर्स दिखाई देंगे, एक पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा और एक नेगेटिव पोलैरिटी का होगा। तो जिस भी ट्रांसमिशन लाइन पर आप दो कंडक्टर्स देखोगे वो बायपोलर टाइप ट्रांसमिशन लिंक या ट्रांसमिशन लाइन होगी, डीसी ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें एक कंडक्टर होगा वो भी ट्रांसमिशन लाइन डीसी होगी, जिसमें दो कंडक्टर्स होंगे वो भी ट्रांसमिशन लाइन डीसी होगी। और दोस्तों, इसमें भी ग्राउंड इन्वॉल्व होता है, अर्थ इन्वॉल्व होता है एज अ रिटर्न कंडक्टर, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं। नॉर्मल कंडीशन में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन जब कभी भी एक लाइन कंडक्टर पर, यानी कि एक कोई भी पोलैरिटी वाले कंडक्टर पर कोई मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क निकलता है या कोई फॉल्ट होता है, तो दूसरा जो कंडक्टर है वो ग्राउंड को इन्वॉल्व करके हाफ रेटेड पावर, आधी रेटेड पावर सप्लाई कर सकता है, आधा 50% लोड वो सस्टेन कर सकता है, टैकल कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर सकता है ग्राउंड को इन्वॉल्व करके, क्योंकि वो एक सर्किट कंटिन्यूअस सर्विस में बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने एक और टाइप आपसे डिस्कस किया, होमोपोलर लिंक। हमने बात कर ली मोनोपोलर लिंक की, बायपोलर लिंक की, अब हम बात करेंगे होमोपोलर लिंक। होमो का मतलब होता है समान रूपी, समरूपी, एक ही जैसे। हमने बायपोलर लिंक डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि दो पोलैरिटी वाले कंडक्टर्स टावर्स के थ्रू पास हो रहे थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन होमोपोलर लिंक में सेम पोलैरिटी वाले कंडक्टर्स ही टावर्स के थ्रू रन करवाए जाएंगे, पास करवाए जाएंगे, और मोस्टली केसेस में ये निगेटिव पोलैरिटी वाले कंडक्टर्स ही होते हैं। मोनोपोलर लिंक में भी ऐसा ही होता है, जो कंडक्टर पास होता है टावर के थ्रू निगेटिव पोलैरिटी वाला होता है। तो दोस्तों, इसी तरह आप पहचान सकते हो डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स को या डीसी ट्रांसमिशन टावर्स को, क्योंकि इनमें एक कंडक्टर होता है, दो कंडक्टर होते हैं या फिर तीन चार कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। जो मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर्स है उनमें आपको चार कंडक्टर्स दिखाई देंगे या उनसे भी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने होमोपोलर लिंक के बारे में बताया कि इसमें दो कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, तीन कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, और हमने ये डिस्कस किया कि मोस्टली ऐसी ट्रांसमिशन लाइन्स में हमको तीन ही कंडक्टर्स दिखाई देते हैं, तो फिर अब हम कैसे ये कन्फ्यूजन दूर करें या डिफरेंस दूर करें? तो दोस्तों, भूलिए मत, मैंने आपको एक और बात बताई कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स या ट्रांसमिशन टावर्स जो है पतले होते हैं एसी ट्रांसमिशन टावर्स के कंपेरिजन में। तो ये भी एक तरीका है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है डीसी ट्रांसमिशन लाइन को आइडेंटिफाई करने का। बहुत से टावर्स आपको ग्राउंड लेवल से नुकीले शेप के दिखाई देंगे, उनकी जो सरफेस एरिया है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत शार्प होगी, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि डीसी ट्रांसमिशन टावर है या डीसी ट्रांसमिशन लाइन है। और दोस्तों, ज्यादातर डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स आपको बायपोलर लिंक टाइप में ही दिखेंगी, मतलब जिसमें दो कंडक्टर्स होंगे, और मोस्टली बायपोलर लिंक टाइप डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स का ही ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, मोस्टली। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है डीसी और एसी ट्रांसमिशन लाइन के बीच फर्क पहचानने का, अंतर पहचानने का। जिसमें दो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर्स होगा वो डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स, जिसमें तीन या छः या 12 कंडक्टर्स होंगे वो एसी ट्रांसमिशन लाइन्स। और मैंने आपको एक और क्लू दे दिया कि एसी के टावर्स जो है, एसी ट्रांसमिशन लाइन्स के, वो चौड़े होंगे और डीसी के पतले। तो दोस्तों, इस तरह आप देखते से ही पहचान जाओगे कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है और एसी ट्रांसमिशन लाइन्स कौन सी है। तो दोस्तों, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।